एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा के लिए एमबीबीएस की अभी भी 325 सीट्स वैकेंट हैं और अभी एमसीसी ने ये डिसाइड किया है कि इन वैकेंट सीट के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा। हमने आपको ये पहले संभावना जता दी थी कि इस राउंड में काफी सीटें वैकेंट होके आएंगी और इसके लिए एक अलग से राउंड हो सकता है, तो ये अभी स्पेशल राउंड होगा स्ट्रे वैकेंसी के लिए। तो मैं आपको इसमें कंडीशन बता देता हूं, तो एमसीसी ने इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। हालांकि अभी शेड्यूल और इसकी जो वैकेंट सीट है ये तो नहीं दिया है, लेकिन ये अभी आज शाम तक जरूर आ जाएंगी। तो इसमें जो नोटिस में कहा गया है वो यही कहा गया है कि एमबीबीएस की अभी भी 325 सीट्स वैकेंट हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया है कि इन सीटों को फिलअप करने के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए इसमें कंडीशन दी गई है। इसमें कंडीशन यह है कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए 325 एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट से इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन कैंडिडेट ने एमसीसी के फर्स्ट सेकंड या फिर मॉपअप राउंड तक रजिस्ट्रेशन किया है वही कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं। हालांकि इसमें च्वाइसें दोबारा से फिल करवाई जाएंगी, फ्रेश च्वाइस दोबारा से फिल होंगी, क्योंकि कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी सीटें वैकेंट है उस वैकेंट सीट के अनुसार फिर से फ्रेश च्वाइस फिल करवाई जाएंगी। इसके बाद में दूसरी कंडीशन ये है कि जो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 50,000 की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करेंगे, ये रिफंडेबल रहेगी। यानी कि जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिलती है इस राउंड में वो 50,000 इन स्टूडेंट को वापस मिल जाएंगे, लेकिन जिन कैंडिडेट को इस राउंड में सीट मिल जाती है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है और वो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये 50,000 फॉरफिट हो जाएंगे, यानी कि ये आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जिन कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, जो एक्चुअल में सीट लेना चाहता है, जिनको अभी तक कहीं भी सीट नहीं मिली है, वो कैंडिडेट ही इसमें पार्टिसिपेट करके सीट फिल करें, च्वाइस फिल करें। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन इसमें ये है कि कोई भी कैंडिडेट जिसको ऑल इंडिया कोटा से अभी तक सीट मिल गई है और उस पर ज्वाइन कर लिया है, या स्टेट कोटा से सीट पर जिसने ज्वाइन कर रखा है, तो वो कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल नहीं है। तो ये कंडीशन इसमें दे रखी है। इसके बाद में इसमें आगे कहा गया है कि जिस कैंडिडेट को इसमें स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिलती है उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना होगा, ये भी इसमें कंडीशन दी गई है। इसके बाद में एक इसमें डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें लिखा होगा, ये यहाँ पर डिक्लेरेशन की लैंग्वेज लिखी है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो भी मेरे को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिलेगी मैं उसको ज्वाइन करूँगा, अगर ज्वाइन नहीं करता हूँ तो 50,000 रुपीज की जो मैंने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है वो फॉरफिट हो जाएगी, ये इसमें एक डिक्लेरेशन आपको देना होगा। अब इसमें इलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से हैं, तो इलिजिबल कैंडिडेट वही हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में अभी तक सीट नहीं मिली है और स्टेट कोटा में भी अभी तक सीट नहीं मिली है, कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे हो, कोई सीट उन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखी है, वो कैंडिडेट इसमें इलिजिबल हैं। इसमें इलिजिबल कौन से कैंडिडेट नहीं है, तो इसमें वो कैंडिडेट इलिजिबल नहीं है जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो रखी है और उस पर ज्वाइन कर लिया है ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में। जिन कैंडिडेट ने ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में सीट को ज्वाइन कर रखा है वो कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल नहीं है। दूसरे वो भी कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल नहीं है जिनको ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 22 तक ज्वाइन नहीं किया था, वो कैंडिडेट भी इसके लिए इलिजिबल नहीं है। तो इलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जिन कैंडिडेट ने ऑल इंडिया कोटा में
या फिर स्टेट कोटा में कोई सीट ज्वाइन नहीं कर रखी है वो कैंडिडेट इलिजिबल है, और वो कैंडिडेट इलिजिबल नहीं है जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड में जिनको सीट मिल गई है और स्ट्रे में भी सीट मिल गई और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल नहीं है। तो ये इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया है एमसीसी ने, और अभी जो बाकी डिटेल्ड जो आएगी इसकी सीट मैट्रिक्स आएगी या फिर इसका जो शेड्यूल आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे आप भी इसकी वेबसाइट पर चेक करते रहें। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।